आप सब लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले अफगानिस्तान और तालिबान का नाम सुना होगा, पर आप जानते हैं तालिबान की कहानी है क्या और ये अफगानिस्तान वाला सारा मामला है क्या? इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा इतिहास में थोड़ा सा पीछे। कितना पीछे? तो हम चलते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया में दो वर्ल्ड वॉर हुए थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भाई जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि भैया अब अगर एक और वर्ल्ड वॉर होता है तो दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी तबाही मचेगी। पर क्या था कि जो देश थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दो देश जो थे वो मतलब दो वर्ल्ड पावर्स के रूप में इमर्ज हुए, जिसमें एक का नाम था यूएसएसआर, दूसरे का नाम था यूएसए। तो इनके क्या थी, चुल मचती रहती थी बीच बीच में अपनी वर्ल्ड पावर को सिद्ध करने की, प्रूफ करने की। तो ये क्या करते थे, डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन से बचने के लिए इनडायरेक्टली युद्ध लड़ा करते थे। कैसे, हमने सुना है ना वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। तो ये क्या करते थे कि छोटे छोटे देशों की जैसे आपस में लड़ाई होती थी तो ये पीछे से बैकअप सपोर्ट दे देते थे। ठीक, मतलब डायरेक्ट लड़ाई ना हो इनडायरेक्ट यही लड़ाई करवाते थे, जैसे आप लोगों ने वियतनाम वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह के बारे में सुना होगा। तो हुआ क्या कि यूएसएसआर ने 1979 में अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और वहां कब्जा कर लिया। जैसे उसने ये सब किया तो जो वहां के मुस्लिम्स थे वो लोग इसके अगेंस्ट में लड़ने लगे, जो जिहादी थे उन्होंने जिहाद छेड़ दिया। इधर जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जियाउल हक खान, उनको डर लगने लगा कि भैया यूएसएसआर वाले जो है अफगानिस्तान के बाद अब बलूचिस्तान पे कब्जा करेंगे, फिर हमसे हमारा पाकिस्तान भी छीन लेंगे, इस पे भी कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने अपने दूत अब्दुल रहमान को भेजा दुबई सऊदी कि भैया जा और वहां से मदद मांग के ला कि भाई मदद आए और जो अफगानिस्तान में मुस्लिम्स रजिस्टर कर रहे हैं यूएसएसआर को उनकी हेल्प हम लोग कर सकें। इधर जो यूएसए था वो भी सब कुछ देख रहा था, उसे लगा कि भैया अगर यूएसएसआर के कब्जे में अफगानिस्तान चला जाता है तो भाई यूएसएसआर की पावर और मजबूत हो जाएगी। तो यहां से सीन में आ गया सीआईए। तो सीआईए और सऊदी की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थी जीआईडी, उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के थ्रू जो अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ मुस्लिम्स युद्ध लड़ रहे थे उनको हथियार और पैसे प्रोवाइड कराने शुरू किए। जी हाँ, तालिबान की फॉर्मेशन में या कह सकते हैं फाउंडिंग में पाकिस्तान का शुरू से ही हाथ था। अब इनका क्या लालच था, तो पाकिस्तान वालों को ये लगता था कि भैया जो तालिबान या जो भी अफगानिस्तान में सरकार बनेगी वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा फेवरेबल होगी। इसी कारण 1980s में, मतलब 1980 के बाद से 1990 तक में पाकिस्तान ने लगभग 90,000 अफगानिस्तान के जिहादियों को ट्रेनिंग दी थी, जिसमें एक मोहम्मद उमर भी था। यह सब चल ही रहा था कि 1989 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि जो वर्ल्ड की पावर थी, मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में जिसकी गिनती होती थी, वो खत्म हो गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। और जो यूएसएसआर सपोर्टेड कम्युनिस्ट रिजाइन था अफगानिस्तान में, यानी मोहम्मद नजीबुल्ला की सरकार, वो भी गिर गई। जैसी सरकार गिरी अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गया। यह सिविल वॉर चला 1992 से लेकर 1996 तक। तालिबान सबसे पहले सीन में आया जब इन्होंने घोषणा करी कि भाई ये अफगानिस्तान को एक प्योर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, एक इस्लामिक सोसाइटी की स्थापना करेंगे। जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो पाकिस्तान ने लगभग 90,000 जिहादियों को ट्रेनिंग दी थी उसमें एक मोहम्मद उमर भी था। ये संगे हिसार नाम के मदरसे में पढ़ रहा था 1992 के अराउंड में, और ये बड़ा दुखी था कि भाई कम्युनिस्ट रिजाइम खत्म होने के बाद एक इस्लामिक स्टेट जिसकी इन लोगों की कल्पना थी वो स्थापित नहीं हो पाया है। तो इसने क्या किया, 50 बच्चों के साथ जो इस्लाम पढ़ा करते थे उस ग्रुप के साथ तालिबान की सितंबर 1994 में फाउंडेशन रखी और कहा कि भाई हम प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, और इसी ग्रुप को जो हमारा मीडिया है वो तालिबान कहता है। जी हाँ, हमारा जो मीडिया जिनको तालिबान कहता है वो कुछ भी नहीं बल्कि बस वो ना इस्लाम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो जीवन भर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पढ़ते हैं और फिर इस्लाम को फैलाने के लिए जिहाद करते हैं। अब इनकी जो पूरी स्कूलिंग होती है वो मदरसों में होती है, इवन पश्तून में स्टूडेंट को तालिब कहा जाता है, उसी तालिब से तालिबान बना है। और ये पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या, तो जी ये पढ़ते हैं सिर्फ कुरान हदीस और सीरात में पूरी लाइफ में उन मदरसों में। अब ये कुरान तो आप सब जानते ही हैं, ये हदीस क्या होती है, तो पीस बी अपॉन हिम के जो ट्रेडिशंस हैं उनको हदीस कहा जाता है, और पीस बी अपॉन हिम की जो बायोग्राफी है उसको सीरा कहा जाता है, और इन इस्लाम पढ़ने वाले बच्चों को हमारा जो मीडिया है वो तालिबान कहता है। तो देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, इस्लामिक रिलीजियस स्टूडेंट्स का मूवमेंट है, मतलब जिहाद है, जिसको हमारी मीडिया तालिबान जैसे यूफेमाइज वगैरह करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। जबकि ये प्योर मतलब ट्रू सच्चे वाला जो इस्लाम है ना, मुल्ला का इस्लाम, अल्लाह का इस्लाम वाला नहीं, जो प्रोफेट मोहम्मद का इस्लाम है उसको इनेक्ट करना चाहते हैं। ये बेचारे खुद को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं। 1996 में इसी इस्लाम पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स का ग्रुप जिनको हमारा मीडिया तालिबान कहता है, इन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। 1998 आते आते इन्होंने अफगानिस्तान के 90% हिस्से पे कब्जा कर लिया था, और जैसा कि इनका स्टेटेड गोल था कि भैया प्योर सरिया बेस्ड इस्लामिक स्टेट की स्थापना, वो इन्होंने कर दी। अब वो क्या होती है, जहां पे महिलाओं को पेंगुइन बन गई रहना होता है, जहां पे उनको कुछ भी होता है तो भाई स्टोन टिल डेथ, वो आपने देखी होंगी वीडियोस की, महिला है तो इसको आधा जमीन में गाड़ रखा है
और पत्थर ही पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत सारे मर्द वहां मिलकर वो महिला की जान ले लेते हैं। डांस हराम, म्यूजिक ये सब बैन हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, वाइन वाइन जो भी होता है सब खत्म। यही नहीं, इन लोगों ने जो अफगानिस्तान के जो कॉमन नागरिक थे उनका भी नरसंहार किया, उनका भी मसाकेयर किया। यूनाइटेड नेशन ने 1,60,000 लोगों के लिए जो फूड सप्लाई भेजी थी वो भी इन्होंने उन तक नहीं पहुंचने दी। और यही नहीं, जो उपजाऊ जमीन हुआ करती थी अफगानिस्तान में उसको भी ये लोग जला दिया करते थे। और ये सच्चे मुस्लिम थे क्योंकि पूरे जीवन सच्चा इस्लाम पढ़ा करते थे। तो इन्होंने इसके साथ साथ कल्चरल जेनोसाइड भी किया। वो क्या किया, जो हमारे भारत में जय भीम का नारे लगाने वाले जो हमारे भीम भाई लोग हैं वो ध्यान से सुने। इसी तालिबान ने मार्च 2001 में बामियान के बुद्धा के जो स्टैचूज है, जो वर्ल्ड फेमस है ना, बुद्ध के जो बामियान बुद्धा के स्टैचूज बने हुए, उनको डायनामाइट लगा के ब्लास्ट कर दिया, बूम बूम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मूर्ति पूजा जो है, बुत परस्ती जो है, वो हराम है इस्लाम में। फिर इधर इसी बीच 9 सितंबर 2001 में अलकायदा नाम के इस्लामिक ग्रुप ने यूएसए के ऊपर जिहाद अटैक लॉन्च कर दिया। टारगेट पे क्या था, तो यूएसए के वर्ल्ड पावर होने के जो 3 इंपॉर्टेंट उनके स्तंभ थे, उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन टावर्स और व्हाइट हाउस, ठीक। जिसमें ये जो जिहाद अटैक था वो पेंटागन टावर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तो फटने में सफल हो गए थे, पर व्हाइट हाउस में किसी टेक्निकल ग्लिचेस के कारण शायद नहीं फट पाए थे। अब जैसे ये हुआ तो यूएसए तो पहले एडमिट ही नहीं करता था कि ऐसा कुछ टेररिज्म भी होता है, अब उसको समझ में आने लगा। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उनने सोचा क्या करा जाए, और जो ये अलकायदा था उसने जिम्मेवारी ले ली कि हाँ भैया हमने कराया जिहाद। और ये जो अलकायदा था ये तालिबानियों को अफगानिस्तान में सपोर्ट भी कर रहा था। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 20 सितंबर को भाई डिमांड्स रखी तालिबान से कि भैया सुनो, तुम अपने अफगानिस्तान में जितने तुम्हारे अलकायदा के नेता छुपे हुए उन सबको हमें सौंप दो, दूसरा अपने सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बंद कर दो, और तीसरा हमको भाई परमिशन दो, हम आके खुद, जैसे वो 12वीं के पेपर में सुपरिटेंडेंट आता था नकल मारने वाले बच्चों को पकड़ने, ऐसे ही आके हम देखेंगे कि भाई सुपरवाइज करेंगे कि भाई तुमने वो बंद भी कर दिए हैं कि नहीं। तालिबान ने क्या किया, शायद उस टाइम तो पिंक मूवी भी नहीं आई थी, पर उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कह दिया नो मींस नो, ठीक। अब ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है ये कौन है, तो ये इतिहास के जो मतलब धिम्मीएस्ट ऑफ द हिस्ट्री, मतलब धिम्मीज ऑफ हिस्ट्रियों में गिने ना जो टॉप के होते हैं उसमें एक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वही जॉर्ज डब्ल्यू बुश है जिसने इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस वाला जो झूठा नारा है, इसको झूठ कहें क्या कहें, झूठ का सुपरलेटिव भी नहीं कह सकते, तो इतना बड़ा झूठ है, ये दिया था। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पे कर दिया हमला, और जो तालिबान के कब्जे से अफगानिस्तान जो है वो आजाद होने लगा। अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंग तालिबान ने पिछले 13 सालों में 31,113 अफगानी सिविलियंस मारे हैं। पेंटागन के अकॉर्डिंग तालिबान ने 43,074 अफगानी सिविलियंस और 64,124 अफगान सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को मारा है। यूनाइटेड नेशंस मिशन इन अफगानिस्तान के अनुमान के अनुसार 41,622 सिविलियंस को 2007 से 2020 के बीच में मारा इस तालिबान ने। फिर 2020 में हेट मोंगर, वार मोंगर, इस्लामोफोबिक, जेनोफोबिक, होमोफोबिक, अलानाफोबिक, ढिकानाफोबिक, हाईफोबिक, हाउफोबिक डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए, और उनके चुनाव हारने के बाद आया वामपंथियों का ब्लू वाइट बॉय, मानवता का रक्षक, मानवता का रखवाला स्लीपी जॉय बाइडेन। इसने राष्ट्रपति बनते के साथ ही ये घोषणा कर दी है भैया अभी कुछ दिनों पहले कि हम अफगानिस्तान से जो वहां हमारी अमेरिकी सेना है उसको वापिस बुलाएंगे। ये घोषणा सुनते ही तालिब्स जो इस्लाम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो फुल ऑन जिहादबाजी वाले मोड में आ गए हैं, कब्जा फिर शुरू हो गया है। उन्होंने थोड़े दिनों पहले अफगानिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्ला को ट्रैफिक लाइट के खंबे से बांध के फांसी पर लटका दिया सरेआम चौराहे पे, और फुल ऑन सच्चे वाला इस्लाम जो है वो डिस्प्ले पे आ गया है। अब जो मुसलमान वर्तमान में अफगानिस्तान की सरकार को हटा के खुद सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि हर 15 साल से बड़ी और 45 साल से छोटी कुंवारी, विधवा और तलाकशुदा महिला का निकाह उनके जिहादियों के साथ हो। जी हाँ, माना कि अल्लाह की राह पर है जिहादी, पर अगर बलात्कार नहीं करेगा तो मन नहीं भटकेगा उसका, और यह कोई नई बात नहीं है। आईएसआईएस के टाइम पे भी एक मौलाना ने फतवा दिया था कि जो मुस्लिम महिला जिहादी के साथ सोएगी अल्लाह उसे जिहाद के बराबर ही जो जिहादी को इनाम देना था उस महिला को भी देगा। क्यों? क्योंकि वो महिला जो है वो जिहादी को जिहाद करने में कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रही हो, और इसके लिए उस महिला को उस जिहादी से निकाह करने की भी आवश्यकता नहीं है, और वो एक ही नहीं वो कितने भी जिहादियों के साथ सो सकती है। और सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात थी कि इस फतवे के बाद दुनिया भर की जो पेंगुइने हैं वो आईएसआईएस के कब्जे वाले एरिए में जाती हुई पाई गई थी। और हमारे यहां भारत में भी आए दिन कोई ना कोई हिंदुओं की जाति धमकी देती रहती है कि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम मुसलमान बन जाएंगे, तो अपनी बेटियों को, अपनी महिलाओं को यही भविष्य देना चाहते हैं ये उन जातियों के ठेकेदार।